शुरू करने से पहले एक निवेदन। अगर आप भारत के निवासी हैं, माँ भारती के पुत्र हैं, तो कुछ ही मिनटों का यह वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की यह वीडियो होने वाली है माँ भारती के उस वीर योद्धा की, जो मुगल बादशाह अकबर से लड़ा मगर हारा नहीं, परिवार को लेकर जंगलों में दिन गुजारने पड़े मगर हारा नहीं। उसे सिर कटाना मंजूर था मगर सिर झुकाना बिल्कुल मंजूर न था। यह कहानी है महाराणा प्रताप की। यह कहानी है हल्दी घाटी के युद्ध के समय की, जब महाराणा प्रताप अपनी टुकड़ी एवं परिवार के साथ जंगलों में समय गुजार रहे थे और अकबर के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे थे। जब पूरे भारत के राजाओं ने दिल्ली सल्तनत की गुलामी मंजूर कर ली थी, तब भी महाराणा प्रताप के खून में वही उबाल था। प्रताप को मुगलों के सामने सर झुकाना कभी मंजूर नहीं था। जंगलों में रहते हुए कई बार राशन भी खत्म हुआ था। महाराणा प्रताप का परिवार कई बार भूख को पेट में लेकर ही सोया था, फिर भी महाराणा प्रताप को गुलामी स्वीकार न करने का गर्व था। महाराणा प्रताप ने उस समय बहुत से कष्ट सहन किए थे, मगर अकबर के सामने नहीं झुके। लेकिन उस हिंदुओं के सूरज मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप का सब्र उस समय टूट गया, जब एक दिन खाना खाते अमर सिंह के हाथ से एक वन्य जीव ने रोटी छीनी और भाग गया। नन्हा सा बच्चा भूख से रोने लगा। महाराणा प्रताप ने जब यह मंजर देखा तो उनका हृदय अंदर से कचोटने लगा। प्रताप मन में विचार करने लगे कि मैंने अपना पूरा जीवन इस धरती के लिए न्यौछावर कर दिया। न जाने कितने ही भीषण संग्राम लड़े, लेकिन इन सबका आज मुझे यह परिणाम मिलता है कि मेरा परिवार एक वक्त की रोटी के लिए बिलख रहा है। क्या करूंगा मैं ऐसे गर्व को लेकर, जो मुझे और मेरे परिवार को ऐसे दिन दिखा रहा है। वो बच्चे जो महलों में 56 भोग के व्यंजन मनुहार के बिना नहीं करते थे, वो बच्चे जिनकी सोने की थालियां नीलम से जड़े हुए बाजोट पर रखी जाती, जो बच्चे फूलों की सेज पर पैर रखते, ऐसे बच्चे आज भूख से व्याकुल हो वन वन भटक रहे हैं। तो क्या करूंगा मैं अपने इस गौरव को लेकर। महाराणा प्रताप ये सब सोचकर बड़े दुखी हुए। उनके आंखों में आंसू आ गए और मन में विचार करते हैं कि मैं अकबर के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन फिर जब प्रताप अरावली पर्वतमाला की उस श्रृंखला को देखते हैं, मेवाड़ का किला याद करते हैं, तो फिर असमंजस में पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि कैसे मैं उन सब का सर झुकने दे सकता हूं, जो मुझे आदर्श मानकर आज भी अकबर के सामने डटकर खड़े हैं, जो वीर योद्धा शहीद हो गए हैं, कैसे उनका बलिदान व्यर्थ जाने दे सकता हूं। इतने में फिर महाराणा प्रताप का ध्यान रोते हुए अमर सिंह की तरफ जाता है और प्रताप अकबर को पत्र लिखते हैं कि अकबर, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। अकबर ने लगभग सभी रियासतें जीत ली थी, मगर मेवाड़ में जब तक प्रताप थे अकबर जीत नहीं सकता था। जब महाराणा प्रताप का यह पत्र अकबर की सभा में पहुंचा, तब अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उसने पत्र को कई बार पढ़वाया। उसका बरसों पुराना सपना सच हो रहा था। वो महाराणा प्रताप जिसने अकबर की नाक में दम कर रखा था, वो खुद अपनी हार स्वीकार कर रहा था। लेकिन विधाता को यहाँ कुछ और ही मंजूर था। अकबर ने अपने मद में सोचा कि यह महाराणा प्रताप के किसी सच्चे भक्त से पढ़वाएं, ताकि उसका भी घमंड चूर हो जाए। उस समय बीकानेर रियासत के पृथ्वीराज सिंह महाराणा प्रताप के भक्त हुआ करता थे। अकबर ने तुरंत अपने दूत को बीकानेर भेजा। पृथ्वीराज सिंह को जब यह खबर पहुंची, तब उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हुआ। उन्हें लगा कि कुछ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, जिससे भविष्य की पीढ़ियां हमारा गौरव याद नहीं रखेगी। दूत का संदेश पाकर पृथ्वीराज तुरंत दिल्ली पहुंच गए। अकबर ने महाराणा प्रताप का पत्र पृथ्वीराज से पढ़वाया। पृथ्वीराज ने दिमाग लगाया और अकबर से कहा कि मैं इस पत्र को नहीं मानता और इसकी खोज करवाना चाहता हूं। अकबर ने भी अपने मद में अनुमति दे दी। अब पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखा और उन्हें बहुत सी कड़वी बातें कही। पृथ्वीराज ने लिखा कि महाराणा, मैंने सुना है कि अब सूरज बादल के पीछे छुप जाएगा। मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब दहाड़ना छोड़ देगा। मैंने सुना है कि हमारे हाथों में तलवार होते हुए भी हमारी औरतें विधवा हो जाएगी
और फिर भी यह तलवारें दुश्मनों के सीने की जगह मयान में ही विश्राम करेगी। इस तरह महाराणा प्रताप को अपना प्रण याद दिलाते हुए पृथ्वीराज ने वो पत्र जब प्रताप को भेजा तो महाराणा प्रताप फिर से जोश से भर गए, उनकी आंखों में फिर रक्त उतर आया। अब महाराणा प्रताप ने फिर एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि पृथ्वीराज तुम चिंता मत करना, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा, कभी भी मेवाड़ की शान को झुकने नहीं दूंगा। कितनी भी तेज आंधी आए मेवाड़ फिर भी चमकेगा। मुझे अगर खून की नदी भी बहानी पड़ी तो मैं स्वाभिमान की आंच नहीं आने दूंगा। ऐसे पत्र को देख पृथ्वीराज को एक बार फिर महाराणा प्रताप पर गर्व हुआ। जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो अकबर का घमंड एक बार फिर से चूर चूर हो गया। इसी तरह यह कहानी भारत के इतिहास में होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की थी और मुझे यकीन है कि आपको पसंद जरूर आई होगी। अब अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर से कर देना। थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि यह सब तक पहुंच पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए।